हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बैगन की भरवा कलौजी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों, और दाल चावल के साथ तो इसका टेस्ट असम हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है 4 मीडियम साइज के बैगन, पतले वाले बैगन ही कलौजी के लिए अच्छे होते हैं दोस्तों, तो आप वही यूज करें। और इसको बीच में से इस तरीके से हाफ कट कर लेंगे। ये देखिए, सारे बैगन को मैंने इस तरीके से हाफ कट कर लिया है। और अब इसके बीच में हम भरेंगे कलौजी का मसाला। ये कलौजी का मसाला मैंने घर पे ही तैयार किया है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको शेयर करूंगी। कि बैगन में मसालों को इस तरीके से भर लेंगे। ये देखिए, सारे भर गए मसाले। और अब लेंगे 4 से 5 हरी मिर्ची। मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मिर्ची को भी हाफ कट कर लेंगे। कढ़ाई में तेल को गर्म करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे मीडियम साइज चम्मच, आधा चम्मच मेथी का दाना, आधा चम्मच सौंफ का दाना, और 1/4 चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम कलौंजी। इन मसालों को तड़कने देंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे हाफ कट कटी हुई मिर्ची को। और अब इसमें ऐड करेंगे हम बैगन को। बैगन को एक एक करके ऐड करें इसमें, ताकि मसाले फैले नहीं। और ढक्कन लगा के इसे हम पकाएंगे 2 मिनट के लिए। ये हमारा 2 मिनट हो गया है। और ये देखिए कैसा अच्छा सा कलर आ रहा है बैगन का धीरे धीरे। और इसको उलट पलट करके फिर से हम 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। 2 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं बैगन को। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम मीडियम साइज चम्मच का 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इसको अलट पलट करके हम फिर से ढककर पकाएंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गया है, चेक करते हैं बैगन को। और अब इसमें ऐड करेंगे हम करीब 2 चुटकी के करीब वो मसाला जो बैगन के अंदर भरा था, ज्यादा नहीं करना है। और अलट पलट कर लेंगे। और ये देखिए, हमारे बैगन की कलौजी रेडी है। बहुत ही टेस्टी दिख रही है दोस्तों। ये देखिए, चारों तरफ से अच्छे सिका हुआ है। ये कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे और सर्व करेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसको ट्राई जरूर करें एक बार दोस्तों, काफी टेस्टी लगती है ये।